So welcome students to the new video, and today we are going to learn about Newton's laws of motion. So as basically we have already learned the law of inertia and Newton's first law in our previous videos. ये हम अपनी पुरानी videos में पढ़ चुके हैं. Now we are left with Newton's second law and third law. दो law रह गए हैं हमारे पढ़ने के लिए Newton के, जो कि मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आज की video में cover up हो जाए. Okay? So if we move on to Newton's second law of motion, आप लोगों ने ये 9th class में भी पढ़ा होगा Newton laws of motion. ठीक है, तीन लॉज होते हैं. सो बेसिकली इफ आई राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस, द न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं. ठीक है, सेकेंड लॉ. सो द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर momentum is directly proportional to the force acting on the object. So definition hoti hai, fatafat se ise write down kar lo. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force, या force भी कह सकते हैं, applied या फिर acting on the object. ठीक है, so हम अगर let करते हैं, let a body of mass m and velocity v, मान लेते हैं कोई भी हमारा object है m, क्या ऑब्जेक्ट है m, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं. ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने लिखा क्या है. मैंने मान लिया है एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m और जिसकी वेलोसिटी है v, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसका जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा p साइन होता है लीनियर मोमेंटम का, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. क्या होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी. तो जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी. और एज पर डेफिनेशन, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में कहा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डी किसका, लीनियर मोमेंटम का, डीपी बाय डीटी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है. ठीक है, किसके, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है. ठीक है, अगर इसमें इसको मैं फर्दर और डिड्यूस करूं, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना. ठीक है ना, मान लिया था हमने, क्या करा था अभी तक, एक ऑब्जेक्ट मान लिया था जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम था वो हमारा p इक्वल टू mv निकल के आया था बाय द फॉर्मूला, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी अपॉन डीटी के. ठीक है, ये चीज भी पता चल गई आपको, लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, उसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं, बात एक ही है. ठीक है, अब एज पी इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी है एम वी, तो एफ इज डायरेक्टली, अब देखो सबसे पहले 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो f इक्वल टू के डी पी बाई डी टी होगा. k हमारा क्या है,
proportionality constant. क्या है हमारा proportionality constant, जिसकी वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू सदा होती है 1. k की वैल्यू क्या होती है 1. अब क्योंकि k की वैल्यू 1 है, because the value of k or the proportionality constant is equals to 1, then we can also say that ki force equal to dp by dt. k की वैल्यू 1 है तो k हटा दिया. अब मैंने इसी को लिख दिया dp की जगह रख दिया mv by dt. ठीक है, अब हमारा ये बन चुका है, ये सारा नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं अभी से रब करने जा रहा हूं. f equal to dp upon dt बन चुका है, p की जगह मैंने mv रख दिया है. अब अगर आप लोगों ने 11th क्लास में आके डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स पढ़े हैं तो आपको मेरा नेक्स्ट स्टेप समझ आ जाएगा. ठीक है, अगर नहीं पढ़ाए गए हैं तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं इस पर भी बेस्ड एक अलग वीडियो बना दूंगा. हमें पता है कि अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलता है एसेलरेशन. ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, जो दूसरा फॉर्मूला है, उसे हम यहां पर यूज करने वाले हैं. इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करने वाले हैं. तो अब एक चीज दिमाग में रखना कि डीवी अपॉन डीटी क्या होती है, मतलब वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एसेलरेशन आ जाएगा. तो मैं इसको लिख दूंगा एफ इक्वल टू एम, बाहर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एम जो है कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है. तो ये हो जाएगा एम डीवी अपॉन डीटी. अब हम लिख देंगे एफ इक्वल टू एम ए. क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी. सो बेसिकली ये जो आप पढ़ते हो एफ इक्वल टू एम ए, वो इस तरीके से क्या होता है डिराइव करा जाता है, किससे? फोर्स और लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से. अब समझ आ गया, जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है डीपी अपॉन डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के. ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है उसमें बाहर से जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, धक्का लग रहा है या ग्रेविटी लग रही है या जो कुछ भी लग रहा है. ठीक है, सो बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन, और मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया है. ठीक है, आपको डेफिनेशन समझा दी है मैंने किस तरीके से याद रखनी है, और फॉर्मूला आपको बता दिया है क्या होता है और किस तरीके से डिराइव करा जाता है. अगर आपको क्वेश्चन आए डिस्क्राइब द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वैसे इस पर बेस्ड ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट अगर फिर भी इक्का दुक्का नंबर का आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये पूरा डेफिनेशन सहित एक्सप्लेन डिराइव करके आना है. सो बेसिकली हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया एक और पॉइंट में, कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये डेफिनेशन से हमने कैलकुलेट कर लिया. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, मैंने आपको बता दिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है ना, और जो न्यूटन के फर्स्ट और थर्ड लॉ होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन, न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन ऑल्सो बी डिराइव फ्रॉम सेकेंड लॉ. जो ये न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी मदद से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, तो बस आपका जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो है आपका, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, आपका इतना ही है न्यूटन सेकेंड लॉ 11th क्लास में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है. ठीक है, आपको पता है बट बेसिकली 11th में उसे कैसे याद रखना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं कि सेकेंड लॉ क्या था. ठीक है, अब बारी है न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ने की, कि न्यूटन का थर्ड लॉ था क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल
लेट अस राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट. इसकी स्टेटमेंट थी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, हर एक एक्शन के लिए एक हमेशा रिएक्शन होता है. मतलब अगर आपने एक एक्शन करा, ये हमारा एक्शन फोर्स है, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, मतलब कोई भी चीज सिंगल हैंडेडली काम नहीं करती. अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आप पर किसी ना किसी तरीके से फोर्स लगा रहा है. ठीक है, एक और बात पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट. मतलब कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि फोर्स इन अपीयर्स, एक बार आपको ये अच्छे से समझा देता हूं. ये लिख लीजिए एक्शन एंड रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी. ठीक है, अगर एक बॉडी है, ऐसा नहीं है कि इस पे एक्शन लगाया तो इसी पे रिएक्शन आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी. मतलब अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, पर लगते जरूर है, इतना पक्का है, ये फोर्सेस लगते जरूर है. अगर ऐसा होता, मान लेते हैं, लेट सपोज कि एक्शन जिस बॉडी पे लग रहा है, मान लो ये बॉडी है, इस पे एक्शन लग रहा है और इक्वल एंड अपोजिट साइड में रिएक्शन लग रहा है. अगर ऐसा होता तो क्या होता, बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती. बॉडी हमेशा किस में रहती, इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बेसिकली आपकी इसी पर होगी, इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम होता है जब किसी भी बॉडी पे जो है नेट फोर्स कितना हो, जीरो न्यूटन. नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो न्यूटन अगर हो तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है बॉडी. मतलब जितना एक्शन लग रहा है उतना रिएक्शन लग रहा है. मतलब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, मतलब जितना इस तरफ लग रहा है उतना इस तरफ लग रहा है, तो बॉडी तो वही रहेगी ना. बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, मूव ही नहीं करेगी. जितना मैं इस बोर्ड को इस तरफ धक्का दूं और उतना ही इस बोर्ड पे इस तरफ धक्का है, तो दोनों धक्के जो दोनों फोर्स है आपस में बराबर हो गए, तो ये क्या ये बोर्ड कहीं मूव करेगा, नहीं, बोर्ड यहीं पे स्टिल कर जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा. ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी अगर एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगने लग गए तो. इसीलिए हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी. फटाफट इसे नोट डाउन कर लो. ठीक है, हम लोग काफी हद तक खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को. काफी टॉपिक्स मैंने कवर अप कर लिए, और फिजिक्स रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो की जरूरत हो तो आप कमेंट में लिख के बता देना. ठीक है, मैं आपके लिए उस पर बेस्ड वीडियो बना दूंगा. ठीक है, सो हमने ये पढ़ लिया कि क्या होता है एक्शन रिएक्शन और इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है. मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी, मान लेते हैं. तो बी मान लो एक फोर्स ए पर क्रिएट कर रहा है, फोर्स ए पर क्रिएट कर रहा है किसके द्वारा, बी पर. और बी पर एक फोर्स है जो किसके द्वारा आ रहा है, ए. तो एफ ए बाय बी और एफ बी बाय ए में फर्क क्या होता है, ये चीज लिख लो. ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये है फोर्स ऑन बी बी ड्यू टू ए. ये चीज याद रख लेना हमेशा.
एफ ए बी का मतलब होता है कि ए पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, बी की वजह से। ऊपर वाला होता है जिस पर फोर्स लग रहा है, नीचे वाला होता है जिस जो फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, बी पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से। तो ये सिंबल्स लिख लेना एक बारी, दोनों जो मैंने सिंबल्स लिखे हैं इन्हें राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से बना लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी कराते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ हमारी डेली लाइफस्टाइल में एक्ट करता है, हम इसे समझे कैसे, हम इसे याद कैसे रखें, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मान लीजिए ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और इस पर एक किताब रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है, ठीक है। तो इस बुक पर एक नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू एम जी, और एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आप न्यूटन लॉ में मैंने आपको वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से लग रहा है, जो ये टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है, तो जो बुक है, जो हमारी बुक है वो इस तरीके से अटैच्ड है इस पे, तो बुक और टेबल में जो आपस में कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से टेबल जो है बुक पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये मैं चीजें पढ़ा चुका हूं बट फिर भी बता देता हूं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू mg हो जाता है। इसी वजह से बुक हमारी किस में है, रेस्ट में, क्योंकि एफ नेट कितना है बुक पे, जीरो है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को, ठीक है। तो अब सर आपने तो ये तो समझा दिया कि ये क्या होता है, अब थोड़ा और एग्जांपल्स बताइए। जैसे आप स्विमिंग करने गए हो कभी, या किसी स्विमर को देखा है, स्विमर हमेशा जो है आगे की तरफ जाने के लिए, मान लीजिए ये हमारा स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो स्विमर आगे की तरफ, उसको जाना किधर है, आगे, और वो जो हाथ घुमाता है वो पीछे की तरफ घुमाता है अपने दोनों, ठीक है। क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, क्योंकि जितना फोर्स वो पीछे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स उस पर आगे की तरफ लगेगा और वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। स्विमिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, आप इसका एग्जांपल अच्छे से याद रख सकते हैं स्विमिंग से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, जब एक गन फायर करी जाती है किसी भी बुलेट में से, ठीक है, तो गन जो है आगे की तरफ मुड़ती है और गन, सॉरी, जो बुलेट होती है, गन में से जब बुलेट फायर करी जाती है, सॉरी गलत बोलिया मैं, गन में से जब बुलेट फायर करी जाती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ धक्का देती है। या फिर कभी मूवीज में आपने आर्मी ऑफिसर्स को देखा हो तो उनके कंधे पे जो बड़ी बड़ी गन्स होती है, AK-47 वगैरह, वो जब चलाते हैं तो उनका कंधा पीछे की तरफ हिलता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए मैंने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब हम चल रहे होते हैं, जब मान लीजिए जमीन है, ठीक है, और आप लोग चल रहे हो इस पे, ड्राइंग थोड़ी खराब है तो संभाल लेना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग सरफेस पे चल रहे हो, तो हम जब चलते हैं ना तो हमारा जो पंजा होता है, जो हमारा पैर होता है ना, उसे हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं। कभी आपने नोटिस करा हो तो, हम पीछे की तरफ पैर को धक्का देते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने साइंस पढ़ी नहीं थी अभी तक ये चीजें, बट हम इसे डेली लाइफ में यूज करते थे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि न्यूटन की लॉज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में। सो न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ आपका यहीं कंप्लीट होता है। किसी भी डाउट के लिए आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करना, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।